Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7th subject science, chapter number 15, light. तो आपको पता है हमारे semester 2 के chapter 10, 11, 13, 14 हो गए. अब हम कौन से chapter करेंगे? 15. तो 15 chapter का नाम क्या है? Light है. Page number 174. ठीक है, सभी लोग अपना page number निकालेंगे. Page number 174. तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना. यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल. आपने देखा होगा कि सूरज की किरणें आती हैं, तो आपने आपका रूम जब बंद होगा तो आपने देखा होगा सूरज की किरणें कहाँ से आती हैं. जहाँ जैसे विंडो है, हमने पर्दा लगाया हो, तो वहाँ पर कुछ जगह रह जाती है, वहाँ से उसकी किरणें आती है, ठीक है. कहीं भी होल रह जाता है तो उसके अंदर से भी लाइट आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ऑफ बीम कहते हैं, ठीक है. यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प्स ऑफ स्कूटर्स. हेड लैम्प होते हैं ना स्कूटर के, कार के एंड इंजिन्स के ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन के इंजन के. देखो ये बीम जो बाहर जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है. तो आप सबने देखा ही होगा फिगर 15.1 है, ये आपने देखा है रेल ऑफ इंजन का. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. सिमिलरली इसके जैसे टॉर्च की लाइट होती है, आपने देखा होगा. सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. एयरपोर्ट टावर के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट हाउस देखा होगा, इसकी जो लाइट किरने जा रही देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, इससे भी कहते हैं बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है. फिगर 50.1 है, ठीक है, ए और बी का. वॉट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट. आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ इसका, कि आपको हमको एक अनुभव हुआ कि आप सबने ये सब लाइटें देखी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट ऑफ बीम कहते हैं, ठीक है. लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो आपने, हाँ तो आपने एक्सपीरियंस हुआ कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में होती है, ठीक है ना. जैसे कि देखो इसकी लाइट सीधी पड़ रही है, इसकी भी कभी भी टेढ़ी वेढ़ी नहीं होती, तो स्ट्रेट लाइन ही होती है उसकी. लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होती है, तो मैंने नोटिस किया कि लाइट स्ट्रेट होती है, ठीक है. और लुकिंग यहाँ पे लिखे, वो जो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास सिक्स, इन वॉट एक्टिविटी ही लुक्ड. आप एक्टिविटी देख सकते हैं फिगर 15.2, लुकिंग एट अ कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंड पाइप. तो हमको क्या करना है, कैंडल जलाना टेबल पे, ठीक है. दो टेबल है, सॉरी टेबल तो एक ही. तो हम पहले क्या करें, पहले पाइप कैसे लिया उसने, स्ट्रेट, तो उसमें सबको दिख रही है. उसने बेंड कर दिया पाइप को तो नहीं दिखेगी उसे, क्योंकि हमको पता है कि जो भी लाइट बीम होती है स्ट्रेट लाइन में होती है, इसलिए हमें बेंड वाले पाइप में से हमको कैंडल नहीं दिखेगी इसकी लाइट, और इसकी हमको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट है. और फिगर 50.3 रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर. यहाँ पे इट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू ए स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप. वाई वॉज बोजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंड पाइप. तो मैंने आपको बताया क्यों नहीं देख सका बेंड पाइप में से उसने लाइट को. दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. आपको पता है कैसे चेंज होते हैं लाइट के. डू यू नो वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. आपको पता है क्या होता है जब लाइट, जब किस शाइनी चीज़ पर पड़ता है या फिर पॉलिश पाइप, पॉलिश्ड चीज़ों पर, तो क्या होता है लाइट का, ये तो हम देखते हैं. 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है. वन वे द चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनिंग सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो आपको पता है जैसे कि कोई डिश होती है, ठीक है, शाइनिंग प्लेट्स होते हैं, तो उस पर जो लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन अदर दिशा में हो जाता है, ठीक है, चेंज होता है उसका डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट करता है. द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक द मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट. तो आपको पता है जब वाटर में देखो लाइट पड़ेगा या फिर मिरर में, तो क्या होगा, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा. इसलिए यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर. तो हमने देखा है बिल्डिंग के ऊपर जो होते हैं ट्रीज, सामने रिफ्लेक्शन वाटर में ट्री का, तो आप देख सकते, देखो यहाँ पे ये पानी के अंदर दिख रहा है और ये उसका, तो डायरेक्शन कैसे अपोजिट हो जाता है, दिख रहा है ना आपको. एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एस ए मिरर. मिरर जैसे हमको पॉलिश या शाइनिंग चीज होती है उसमें क्या, मिरर का जैसा होता है, एक्ट करता है, ठीक है, सरफेस. व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. क्या होगा जब, क्या होगा
लाइट पड़ेगी मिरर पे. यू हैव लर्न इन क्लास सिक्स दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आपको देख सकते हैं उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. तो आपने ऐसा देखा टॉर्च का रिफ्लेक्ट करके. लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी. ठीक है. एक्टिविटी 50.1. और ये क्या बॉक्स से पहले हम ये देख लेते हैं. तो ये लिखा है पहली रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फोल्ड द लायन बाय सोविंग हिम इज रिफ्लेक्शन इन वाटर. तो आपको पता है उस स्टोरी में हमने देख आपको याद ही होगा कि लायन अपने परछाई को देख के वाटर के अंदर देखता है तो उसको लगता है मेरे जैसा उसको पुलिस बना देता है. ठीक है. रैबिट उसे लायन को तो याद है ना आपको इसके तो ये भी रिफ्लेक्शन का ही. ठीक है ना. टेक अ टॉर्च कवर इट्स ग्लास विद द चार्ट पेपर. तो आपको क्या लेना है एक टॉर्च लेना उसे कवर कर देना है. ग्लास को कैसे कवर करना है. थ्री स्लाइड्स ऑन साउंड एंड फिगर 15.1 स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर. ये रहा देख सकते हैं अभी टॉर्च ले उसको उसको कवर कर दिया. ठीक है. सामने क्या लिखा है ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. एक वुडन बोर्ड लिया उसने. ठीक है. फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रैप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. तो उसने क्या किया उसके ऊपर एक मिरर लगा दिया. ठीक है. फिगर 15.5 में आप देख रहे हैं. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्राइप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स. तो क्या करना टॉर्च से उसने क्या किया उसका थ्री उसने देखो दिख रहा है ना ऐसे चुकी है और दिख रहा थ्री लाइट्स ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ इट्स लाइट. प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड. नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल. डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. क्या डायरेक्शन भी चेंज. यस. नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू अदर साइड. डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट. हमने कुछ देखा कि क्या चेंज हुआ. तो आप देख सकते हैं जैसे टॉर्च इधर मारा उन्होंने. ठीक है. तो उसके रिफ्लेक्शन इस साइड आई. देख रहे हैं ना आप. यस. ये हमको मिला कि अपोजिट साइड में उसका डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है. रिफ्लेक्ट करता है. लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट. तो लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट. डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर. आपने देखा दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स. तो आपने देखा इमेज दिख रही है उसकी. ठीक है. अंदर दिस एक्टिविटी सो हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन प्लेन मिरर. तो हमने एक्टिविटी देखा. लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेज फ्रॉम द इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम. हमको क्या करना है एक प्ले देखना हमें एक्टिविटी कि हमें इमेज कैसे दिखती मिरर में. ठीक है. पहले इमेज देख सकते हैं. पहले वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स थिंग विजिबल टू अस. पहले जानना चाहती है कि क्या दिखता है उसके अंदर. ठीक है. बोजो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीच अवर आईज. डू यू अग्री विथ हिम. यस. तो पहले भी कहना चाहती है कि क्या इमेज हमें दिखता है मिरर में देखते हैं तो. यस. रिफ्लेक्शन होता है ना इसकी वजह से. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हैंडल द लाइट कैंडल विथ केयर. इट इज बेटर इज दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इज इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर और एन एल्डर पर्सन. तो आप एक्टिविटी कर दिल वाला. ठीक है. पर किसके सामने. पेरेंट्स के सामने. भी हम स्कूल तो आ नहीं सकते इसलिए. प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. हमको प्लेन मिरर लिया. देख रहे हैं आप. देख फोटोमोडिस में जो कैंडल लेना है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर लिया उसने. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. हमको क्या ट्राई करना देखना उसके अंदर. एक कैंडल रख देना उसके सामने जलता हुआ. ठीक है. इट अपियर्स एस इफ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. तो हमको दिखता है कि सेम टाइप का मिरर कैंडल सामने दिख रहा है पर वो क्या उसकी इमेज है. ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या उसका मिरर क्या बोलते हैं इमेज है. ठीक है ना. द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर. द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंस पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. तो आपको ये प्रैक्टिकल तो आप एक्टिविटी घर भी कर सकते हो. ठीक है ना. ठीक है. बुझो नोटेड इन हिज नोटबुक इज
इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एस मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जैसे कि मिरर कैसा भी छोटा या बड़ा हो पर हमारी इमेज तुम्हें सेम ही दिखेगी। तो ठीक है, तो आपको जैसा मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज दिखती है ना सामने अंदर, तब वो क्या लगता है ऐसा है कि आप किसी में छोटे दिखते बड़े भले मिरर कैसा है पर हमारी इमेज तो सेम ही दिखेगी जैसे हम हैं ऐसे दिखेगी। ठीक है, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। तो आपको ऐसा कुछ इमेज हुआ है, डिड द फ्लेम अपेयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, हमें सेम साइज क्या दिखेगा। ठीक है, नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, नाउ प्लेस द स्क्रीन इज फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, नाउ यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इन एदर केस, वॉट अबाउट द लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है ना। 15.3, तो उससे पहले क्या है, पहले ने क्या, पहले मेड नॉट इन हर नोटबुक इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फ्रंट बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो इसने ये नोट डाउन किया, ठीक है पहले ने। तब हम इतना रखते हैं आज का वीडियो, जैसे नंबर 15 का हमने एक्टिविटी देखी, सब आपको रीड कर लेनी, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा देख लेना एक्सरसाइज के होमवर्क में, आपको होमवर्क के, ठीक है ना, जितना मैंने करा आपको सब कुछ रीड कर लेना है। और एक्टिविटी 15.3 हम पेज नंबर 77 पे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।